subscribe and press bell icon. Which of the following situation, इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, और एग्जाम्पल दो, गिव एन एग्जाम्पल, कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है उसका एग्जाम्पल दीजिए. पहली सिचुएशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी. क्या पॉसिबल है कि एक्सेलेरेशन हो जाए कॉन्स्टेंट, एक्सेलेरेशन हो जाए कॉन्स्टेंट, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा सेम आए. कब होता है ऐसा, एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट कब होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी इक्वल. अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर 10-10 सेकंड में लगातार सेम स्पीड बढ़ रही है, हर 10 सेकंड के बाद उतनी ही स्पीड बढ़ती जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन. बट क्या जीरो वेलोसिटी के साथ ऐसा हो सकता है? वेलोसिटी जीरो कब होगी, व्हेन ए बॉल इज थ्रो अप एट द मैक्सिमम हाइट. जब बॉल कहाँ पहुँच जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी. आपने किसी बॉल को नीचे से फेंका और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. उसका जो एक्सेलरेशन था, लगातार एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो नीचे की ओर होता है माइनस जी, है ना. इसकी वैल्यू आप माइनस 10 भी ले सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली होती है 9.8. ये अप्रोक्सीमेट है 10, और एग्जैक्ट पे हम लेते हैं 9.8. आप 11th में पढ़ोगे ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये भी जो है लोकेशन पे हाइट पे चेंज होती रहती है. तो अभी तक आपने जी की वैल्यू याद कर रखी है, वो है 9.8. तो जब ऊपर की ओर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, तो उस पर लगातार नीचे की ओर जी अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है. और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी हाइट स्पीड जीरो हो जाती है, हो जाती है नहीं, फाइनल वेलोसिटी. तो इस कंडीशन में क्या है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है तो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे, उस समय पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है और ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्स्टेंट है. तब भी तो 9.8 ही होगा, उस समय भी वही ग्रेविटी काम कर रही होगी जब स्पीड जीरो हो गई. तो ये पॉसिबल है, क्लियर हो गया, पॉसिबल है. कब पॉसिबल है, जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाए हाइट पे, तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो जीरो हाइट होगी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वो टू जो थोड़ा सा ऊपर लिखना था, टू को थोड़ा सा ऊपर लिखना था, ये जो है ये फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फॉन्ट सपोर्ट नहीं करना, इसलिए ये नीचे आ गया है. तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. कहीं कहीं पे जो स्क्वायर बोला गया, अगर वो सही नहीं लिखा हो तो आप उसको ज़रूर सही कर लेंगे. वैसे तो कई जगह वो फॉन्ट में आ गया है, कई जगह नहीं आया है. बी पार्ट में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन. कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्टेन डायरेक्शन, विद एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन से, यानी लगातार उसकी स्पीड या तो बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और ऐसा हमेशा कब होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर में घूम रही हो, तो एक्सेलरेशन उसका परपेंडिकुलर हो जाता है. जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तभी ये कंडीशन बनती है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी. देखिए हर पॉइंट पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इसका इस तरह से. तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या कार ट्रेवल कर रही हो सर्कुलर पाथ में, कब, सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब आवर चैनल द स्टडी अड्डा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.